बात है आप जो पूछ रहे हैं कि ये जो हिंसा का परंपरा बंगाल में है, लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री। एक समय ममता बनर्जी ने सीपीएम के खिलाफ, जब सीपीएम जीतते थे और ममता बनर्जी कोशिश करके भी हार जाते थे, आज जैसे बीजेपी हार गए, तो ममता बनर्जी उस समय नेशनल लेवल में भी आके, मुझे याद है उस समय वोट क्लब का परमिशन भी मिलता था और जितने एमएलए जीते थे सबको लेके आके, इट्स ए गुड आइडिया, फूड फॉर थॉट फॉर बीजेपी ऑल्सो, बीजेपी कैन फॉलो ममता पाथ, और वो आके यह धरना दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली में धरना देने से तो दिल्ली सरकार के खिलाफ चला जाएगा, तो इसीलिए बंगाल में धरना देना, अभी बीजेपी ये कर रहे हैं, तो ये कल्चरली वायलेंस का प्रोन है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है, आज गवर्नर साहब और ममता जी ने जो कहे हैं जी उसमें अगर डिबेट में जाएंगे, गवर्नर को कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, बहुत बार ट्वीट करके, लेकिन ये जगदीप धनखड़ है, ये गवर्नर, ये स्पेशल गवर्नर है, और जो बोले हैं ये परंपरा भी नहीं है कि ओथ टेकिंग के बाद गवर्नर ऐसे बोलेंगे, जी लेकिन आप संविधान को रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं, ये लॉजिक है, मान ले रहा हूं। लेकिन इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है जी कि अगर शांति हम चाहते हैं तो एक कॉन्सेंसस जो आज इवॉल्व करने की कोशिश गवर्नर सीएम दोनों ने किए हैं, ठीक है और उसमें क्या है, देखिए जयंत दा, हम जारसी हमारे तृणमूल और बीजेपी का नहीं है, तो डेड बॉडी मैं बंगला चैनल में देखा, एक तृणमूल का भी ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेड बॉडी मैं देख रहा था, जी वो भी जी लाश है, वो भी तृणमूल का लाश है, वो जी हिंदी चैनल में नहीं दिखाई दे रहा है, बंगला ठीक चैनल में सब लोग दिखा रहे हैं। जयंत दा, तो हम इसमें मेरा कहना है कि लाश लाश है, जी तृणमूल के जो विक्टिम है उसको हम बोलेंगे कि वो लाश नहीं है, बीजेपी जो विक्टिम है, और स्टैटिस्टिक्स अलग अगर अलग आई नहीं होगा है जी, बिल्कुल कितना ठीक है, बीजेपी मरे हैं कितना टीएमसी मरे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट द सोल्यूशन, इट्स नॉट बिल्कुल द बिल्कुल ठीक सोल्यूशन, है जयंतु दा, हमको थोड़ा इससे सा हमें उबर के ब्रेक के लिए आना रुकना पड़ पड़ेगा, रहा है। कॉन्सेंसस। हम आएंगे तो आपको आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन आपका ये अच्छा पॉइंट है, अब एक सहमति पर आया जाए, अब नई सरकार बन गई है, 5 साल तक नई सरकार रहेगी, वहां डीएमसी सरकार में है, बीजेपी